हे स्पेस एंड साइंस लवर, दिस इज यमुना ट्रेंडी वार वॉचिंग यमुना डॉट टेक। सो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी ध्रुवा स्पेस के बारे में। इससे पहले हम लोग ने बात किया था स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस एंड बेलेट्रिक्स एरोस्पेस के बारे में। सो 30 जून यानी आज इसरो अपने रॉकेट PSLV-C53 से सिंगापुर के 3 सेटेलाइट को लॉन्च करेगा, बट साथ में ही इन स्पेस के अंदर बेंगलोर बेस्ड दिगंतरा एरोस्पेस एंड हैदराबाद बेस्ड ध्रुवा स्पेस के पेलोड्स को भी लॉन्च करेगा। Having certain experiments hosted by some of the very young startups enabled by InSpace, the Dhruva and Digantara, they have hosted their payloads for experiments on board PSLV, and this experiments will continue, and we will get details about its functioning in the next orbit. Until then, let me thank you and wish all the very best to all of you. So, Dhruva Space ISRO के PSLV-C53 mission पर अपने satellite deployer का परीक्षण करेगा। Basically, launch vehicle का जो critical component होता है, deployment of satellite होता है। So, Dhruva Space ने develop किया satellite deployment system, जो कि कंपेटेबल होगा इसरो के PSLV लॉन्च व्हीकल के। संजय निकांती फाउंडर हैं ध्रुवा स्पेस के, एंड मैंने ध्रुवा स्पेस के टीम मेंबर से बात की, बट कुछ खास इन्फॉर्मेशन और अपडेट मुझे मिला नहीं, बट उन्होंने मुझे कुछ आर्टिकल जो है प्रोवाइड किए, सो थैंक यू सो मच। सो ध्रुवा स्पेस करती क्या है? सो मेनली ये लोग स्मॉल सेटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन एंड सेटेलाइट डिप्लॉयमेंट पर काम करते हैं, और आज ये लोग अपने सेटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम को टेस्ट भी करेंगे। इतना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ऐसे प्रोडक्ट पर काम भी करती हैं। इससे होगा क्या कि आप इंटरनेशनल स्पेस मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें ध्रुवा स्पेस के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के बारे में, तो ये लोग मेनली 3 टाइप के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, क्यूबसेट, नैनोसेट एंड माइक्रोसेट। ये सैटेलाइट 1 kg से लगाए 300 kg तक होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ध्रुवा स्पेस के ग्राउंड स्टेशन के बारे में, तो मेनली ध्रुवा स्पेस 3 टाइप के ग्राउंड स्टेशन पर काम करता है, बेस्पोक एंटीनास, नेटवर्क कवरेज एंड स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग। तो इन ग्राउंड स्टेशन की ये खास बात है कि आप इसे दुनिया में कहीं से भी रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। ना वो हम लोग बात करते हैं ध्रुवा स्पेस के लॉन्च सर्विस के बारे में, तो ये भी 3 टाइप के लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑर्बिटर डिप्लॉयर, हॉस्टेड पेलोड एंड लॉन्च। सो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो ध्रुवा स्पेस के सेटेलाइट प्लेटफॉर्म, ग्राउंड स्टेशन एंड लॉन्च सोल्यूशन के ऊपर, देन आप कमेंट कर सकते हो। ध्रुवा स्पेस की जो सबसे खास बात है कि सारे जो प्रोडक्ट रहेंगे मेक इन इंडिया रहेंगे, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। ध्रुवा स्पेस वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसीज है इंडिया में, और ये लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं, और साथ में ध्रुवा स्पेस ने इसरो, DRDO, स्काईरूट एरोस्पेस, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस और ढेर सारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वेबसाइट के लिंक को प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में ही ध्रुवा स्पेस के सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मैंने वो भी प्रोवाइड कर दिया है, गो एंड फॉलो देम। साइंस एंड स्पेस लवर, इट्स ऑल अबाउट ध्रुवा स्पेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।